क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने संत पौलुस के समान ही बहुत ही दृढ़ता से मेहनत करते हुए प्रभु के वचनों को सुनाया है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर साल संपूर्ण कलीसिया 5 जुलाई को संत अंतोनी मैरी जकारिया का पर्व मनाती है। उनका जन्म सन 502 ईस्वी में हुआ था। संत अंतोनी मरिया जकारिया की माता 18 वर्ष में ही विधवा हो गई थी। वह उनकी एकमात्र संतान थी और बहुत ही प्यार से लालन पालन उनका उन्होंने किया था। सन अंतोनी मरिया जकारिया पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। वे बचपन से ही विशेष रूप से प्रभु के कई कार्यों में अपना हाथ बटाते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और प्रार्थनामय था। उन्होंने विशेष रूप से डॉक्टरी की पढ़ाई की और वे मानवीय शरीर का उपचार करने में लग जाते थे। कई लोगों को उनके द्वारा किए गए इलाज से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन प्रभु की बुलाहट उनके लिए कुछ और ही थी। वे प्रभु के लिए अपने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर, मानव शरीर को छोड़कर आत्मा के शरीर के उत्थान के लिए, उसकी मुक्ति के लिए वे कार्य करने लग जाते हैं। उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से संत पौलुस के समान प्रभु के वचनों को फैलाने का कार्य किया और साथ ही वे बहुत ही अच्छे प्रवचन देने वाले एक संत थे। संत अंतोनी मैरी जकारिया ने मुख्य रूप से गरीब किसानों के लिए और जो महामारी उस इलाके में उस समय फैली थी, उस समय उन्हें निजात दिलाने का उन्होंने कार्य किया है। संत अंतोनी मैरी जकारिया हर दिन क्रूस लेकर नगर में निकल पड़ते थे और नगर वासियों के लिए वे प्रार्थना करते हुए पैदल पैदल चलते थे। पूरे नगर में उनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता था। वे जिस नगर से, जिस गली से होकर गुजरते थे, वहां पर ईश्वर की आशीष सभी लोगों को प्राप्त होती थी। उन्होंने कई धर्म संस्थाओं की स्थापना भी की। उनकी मृत्यु 5 जुलाई 1539 को हुई। उनकी मृत्यु के 27 साल बाद जब उनके पार्थिव शरीर को उनके कब्र से निकाला गया तो वह उसी स्थिति में थी जिस स्थिति में उन्हें गाड़ा गया था। संत पिता लियो 13वें ने 27 जुलाई 1597 में उन्हें संत घोषित किया। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से संत अंतोनी मैरी जकारिया से मध्यस्थ प्रार्थना करें कि वे हमारे लिए मध्यस्थ बने और निरंतर उन गरीबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, उन निस्सहाय लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन सभी के लिए प्रार्थना करें जिन्हें प्रार्थना की अति आवश्यकता है।